वेनम 2 रिलीज होने के बाद और स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले मैंने सोचा कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक फाइट हो तो उस मैच का विनर कौन होगा। तो हालांकि हम स्पाइडरमैन और वेनम की फाइट बिग स्क्रीन में कई बार देख चुके हैं, लेकिन तब भी हम सुपर फैंस ये सोचते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आज के इस वीडियो में वेनम और स्पाइडरमैन का एज अ मूवी रेफरेंस एंड एज अ कॉमिक रेफरेंस कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके ऊपर अवेंजर्स वर्सेस हेला पार्ट 2 की स्क्रिप्ट और थंबनेल तैयार हो चुका है और इस वीडियो के बाद आपको वीडियो 150% देखने को मिल जाएगा अराउंड वेडनेसडे या थर्सडे को तो पक्का ही। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो पहले बात करते हैं इनकी बेसिक पावर से, ताकि आपको ये अच्छे से आइडिया लग सके कि इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा पावरफुल कौन है। और शुरुआत करते हैं स्पाइडी से। तो एक म्यूटेड स्पाइडर के काटने की वजह से एक बच्चे में उसी स्पाइडर की जैसी एबिलिटीज आ गई और वो बच्चा था पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज भी हैं जो आई होप आपको नहीं पता होंगी। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ऑसम है, जिसकी वजह से उसने एक कार को एक कागज की तरह रोक के रख दिया था। इसके ऊपर वल्चर की इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के बाद भी स्पाइडरमैन ने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसे उठाया था। इन सबसे ऊपर उसने बकी के हाथ को इतने इजिली रोक दिया और सैम और बकी जैसे स्किल्ड वॉरियर को इतने इजिली हंसते हंसते हरा दिया। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जिस बंदे को एक ट्रेन हर्ट नहीं कर पाई हो और जिसे हाईटेक वेपन से भी हर्ट किया नहीं जा सकता हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी तो कमाल की होगी। सुपर ह्यूमन एजिलिटी। तो स्पाइडरमैन को उसकी पावर एक म्यूटेंट स्पाइडर से मिली है और इसी की वजह से वो बहुत एजाइल यानी फुर्तीला है। हमने मूवीज में भी देखा कि वो किस तरह से जंप मार रहा था, नीचे से ऊपर तक जंप मार रहा था, थैनोस को मैजिकली तरीके से पंचिस और किक्स दे रहा था, अपने वेब स्ट्रिंग के ऊपर ढेर सारे करतब कर रहा था और मिस्टीरियो के ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। इंटेलिजेंस। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि पीटर पार्कर एक साइंस स्टूडेंट है और उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसने अपने वेब शूटर्स खुद बनाए हैं, यानी उसे प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। वॉल क्रॉलिंग। तो भले ये एबिलिटी स्पाइडरमैन की एक बेसिक एबिलिटी हो, लेकिन इस एबिलिटी के बिना स्पाइडरमैन अधूरा है। तो आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि स्पाइडरमैन सिर्फ अपने स्टिकी ग्लव्स की मदद से वॉल में क्लाइम कर सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पाइडरमैन बिना किसी ग्लव्स की हेल्प से भी वॉल में क्लाइम कर सकता है। और इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है टॉबी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन, क्योंकि हमने इस स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन मूवी में बिना किसी ग्लव्स का यूज करते हुए वॉल में क्लाइम करते हुए देखा। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। तो ये बात आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी कि स्पाइडरमैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है और ये बात हम मूवीज में भी देख चुके हैं। फिर चाहे हम बात करें वल्चर से लड़ने के बाद अपने आप को हील करने की, या हम बात करें मिस्टीरियो के बाद मरने वाली हालत से अपने आप को हील करने की, या हम बात करें एंड गेम के इवेंट्स के बाद अपने आप को हील करने की, या हम बात करें ट्रेन से अपने आप को हील करने की। स्पाइडर सेंसेस। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंसेस है, जिसकी मदद से आने वाले खतरे के बारे में उसे पहले ही पता चल जाता है। तो स्पाइडरमैन के बाद अब मूव ऑन करते हैं वेनम के ऊपर। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो वेनम के पास कमाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसका सही यूज हम रायोट वर्सेस वेनम फाइट और कार्नेज वर्सेस वेनम फाइट में देख ही चुके हैं। इन सबसे ऊपर वेनम अपने फाइबर्स का भी यूज करता है अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए, क्योंकि जब भी वेनम अपने फाइबर्स का यूज अपनी स्ट्रेंथ के साथ करता है तो उसकी स्ट्रेंथ देखने लायक होती है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि वेनम की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जिस तरह से रायोट ने उसे फाड़ के रख दिया था उसके बाद भी उसकी ड्यूरेबिलिटी ने उसे जिंदा रखा। इन सबसे ऊपर जब लास्ट सीन में एडी की डेथ होने वाली थी तो वेनम ने फायर के खिलाफ एडी की जान बचाई थी, लेकिन इससे भी वेनम को कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमें ऐसा लग रहा था कि वेनम की डेथ हो चुकी है, लेकिन एडी का तो आपको पता ही है। सुपर स्पीड एंड सुपर जंप्स। तो वेनम अपनी स्पीड और जंप्स का यूज भी बहुत अच्छी तरह करता है और ये बात हम मूवीज में देख ही चुके हैं, क्योंकि जब वेनम अपनी जंप्स का यूज करता है तो गाड़ियां तक नहीं बचती। इसके ऊपर वो स्पाइडरमैन के वेब्स की तरह अपने फाइबर्स का यूज करके स्पाइडरमैन की तरह उड़ सकता है, जो बात मुझे वेनम की बहुत ही औसम लगती है। वेनम सेंसेस। तो ये बात आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगी कि वेनम के पास भी स्पाइडरमैन की तरह वेनम सेंसेस है, यानी कोई भी खतरा आने वाला हो तो वेनम को उसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा, जो बात आई थिंक आपको पता नहीं होगी। वॉल क्रॉलिंग। तो ये बात आप सभी को पता ही है कि स्पाइडरमैन की तरह वेनम भी वॉल में क्रॉल कर सकता है।
टेलीपैथी। तो ये बात भी आपको पता ही है कि वेनम अपने होस्ट से बात करता है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? एक्चुअली में वेनम अपने होस्ट से कंटिन्यूसली बात इसलिए करता है ताकि उसकी और उसके होस्ट की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उनकी पावर और भी ज़्यादा एनहेंस्ड हो। और सिर्फ वेनम भी नहीं, हमने मूवीज में जो भी सिम्बियोट देखा वो सब अपने होस्ट से बात कर सकते हैं। क्राफ्ट वेपन्स। तो जिस तरह से रायोट वेनम 1 मूवी में अपने अंदर से वेपन को क्राफ्ट कर रहा था, वेनम भी ठीक वैसा कर सकता है। जो बात मुझे लेके आती है मेरे नेक्स्ट पॉइंट एसिडिक सलाइवा में। तो एसिडिक सलाइवा जैसी ऑसम एबिलिटी की मदद से वो अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकता है, अपनी बॉडी के साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और अपने होस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल सकता है। इन सबसे ऊपर वेनम बुलेट प्रूफ भी है, यानी किसी भी टाइप के गोलियों और मिसाइल्स और ग्रेनेड का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। हीलिंग फैक्टर। तो वेनम के पास ऑसम हीलिंग फैक्टर है, लेकिन वेनम अपने होस्ट को भी किसी भी इंजरी से हील करना जानता है। इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है एडी। अब वेनम 1 मूवी में रायोट ने एडी को लगभग मार दिया था, लेकिन वेनम एडी के साथ फिर से कंबाइन हुआ, उसने रायोट के स्पाइक को उसकी बॉडी से बाहर निकाला और एडी को पूरा हील कर दिया। इसके ऊपर वो अपने होस्ट को पावर भी प्रोवाइड करता है। अब एडी पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन वेनम के साथ बॉन्ड होने के बाद उसकी पावर्स भी बढ़ गई थी, जो बात हम मूवीज में कई पॉइंट्स में देख चुके हैं। पैरासिटिक इनहेरिटेंस। तो ये एबिलिटी वेनम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है, क्योंकि इस एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर वेनम किसी भी होस्ट के अंदर हो और अगर फिर वो अपने होस्ट से बाहर भी आ जाए तो उस होस्ट की सारी एबिलिटीज वेनम के अंदर रहती ही है। और इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है स्पाइडरमैन। तो कॉमिक्स में वेनम स्पाइडरमैन के ऊपर जब हावी हुआ था और उसने जब स्पाइडरमैन को छोड़ भी दिया था, तब भी वो स्पाइडरमैन की सारी एबिलिटी को यूज़ करना जानता था। वो वॉल क्रॉल करना जानता था, अपने फाइबर को एज अ वेब शूटर यूज़ करना जानता था और अपने फाइबर को एज अ वेब रिंग भी यूज़ करना जानता था। वीकनेसेस। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि वेनम की तीन मेजर वीकनेस है, थंडर, फायर और हाई फ्रिक्वेंटली साउंड्स। तो इन दोनों करेक्टर्स की बेसिक पावर्स जानने के बाद इन दोनों करेक्टर्स की बैटल शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ओवर अपोनेंट की। तो अगर स्पाइडरमैन की बात करें तो वो हो सकती है हाई फ्रिक्वेंटली साउंड्स एंड टेजर वेब्स। अब जिस तरह से टॉबी मैग्वायर ने वेनम को हराया था हाई फ्रिक्वेंटली साउंड्स यूज करके, और जिस तरह से एक एनिमेटेड सीरीज में स्पाइडरमैन ने अपने टेजर वेब से वेनम को हराया था, ये दोनों रीजन बन सकते हैं कि स्पाइडरमैन इस बैटल को जीते। तो ये दो एडवांटेज है स्पाइडरमैन के वेनम के ऊपर। और दूसरी ओर अगर वेनम के एडवांटेजेस की बात करें तो वो होगा मेकिंग अ होस्ट। अब वेनम को हमेशा से स्पाइडरमैन एक परफेक्ट होस्ट लगता है, फिर चाहे बात हो कॉमिक्स की या एनिमेटेड सीरीज की। इसीलिए वो स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होता है, उस स्पाइडरमैन को कंट्रोल करता है और उसमें वो कई हद तक सक्सेसफुल होता है। और वो वेनम से तभी बाहर आता है तब उसका कोई फैमिली वाला या उसका कोई दोस्त मुसीबत में हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज। अब इस सीरीज में भी वेनम के खिलाफ जब हैरी मुसीबत में होता है तो स्पाइडरमैन उसे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर देता है और इसी बीच वो अपने टेजर वेब्स का यूज करता है, लेकिन ये तब भी एक छोटा सा एडवांटेज स्पाइडरमैन के ऊपर होगा। तो अगर हम ओवरऑल इनके कंक्लूजन की बात करें तो हमें इस फाइट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, प्रिपरेशन टाइम और नॉन प्रिपरेशन टाइम में। तो पहले अगर प्रिपरेशन टाइम की बात करें तो उसमें विनर होगा स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन एक साइंस स्टूडेंट है और उसने अपने वेब शूटर्स भी खुद बनाए हैं, यानी उसे प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो वो वेनम की वीकनेसेस ढूंढ के वही वीकनेसेस उसके खिलाफ यूज कर सकता है, लाइक हाई फ्रिक्वेंटली साउंड्स और टेजर वेब्स। और यही एक रीज़न है कि प्रिपरेशन टाइम के बाद विनर स्पाइडरमैन होगा। लेकिन अगर वहीं पे नॉन प्रिपरेशन टाइम की बात आएगी तो स्पाइडी को वेनम के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उसे ये भी पता नहीं होगा कि उसे थंडर और फायर जैसी चीज़ों से हर्ट किया जा सकता है। इसलिए नॉन प्रिपरेशन टाइम के बाद स्पाइडरमैन इस बैटल को हार सकता है, क्योंकि इसके बाद वेनम स्पाइडरमैन को एज अ होस्ट कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैं इस बात से श्योरिटी इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वेनम स्पाइडरमैन को कितनी देर तक कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि अगर वेनम ने स्पाइडरमैन के घर वालों या उसके दोस्तों को परेशान करने की कोशिश की तो स्पाइडरमैन उसे लड़ता है, जैसा हम एनिमेटेड सीरीज में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, वेनम के थोड़े बहुत चांसेस है कि वो प्रिपरेशन टाइम ना मिलने पे स्पाइडी के ऊपर हावी हो सके, क्योंकि हमने स्पाइडरमैन 3 मूवी में भी देखा था कि स्पाइडरमैन ने किस तरह से बिना प्रिपरेशन टाइम का यूज़ किए वेनम को हराया था। यानी अगर स्पाइडरमैन चाहे तो वेनम को वैसे भी हरा सकता है। इसलिए मैं नॉन प्रिपरेशन टाइम वाली फाइट में 50-50 रखना चाहूँगा और आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि नॉन प्रिपरेशन टाइम के बाद भी क्या स्पाइडरमैन वेनम को हरा पाएगा या वेनम इसमें बाजी मारेगा। तो मेरे ओपिनियंस तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन ये तो बस मेरे ओपिनियंस थे। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना।
तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की फाइट का ब्रेकडाउन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 एसेंबल्ड।